रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान प्रियंका गांधी के स्वागत में बिछाए गए 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से अब होली के लिए गुलाल बनाए जा रहे हैं। रायपुर के मल्टी यूटिलिटी सेंटर में उज्ज्वला ग्राम संगठन की महिलाएं इन गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाल बना रही हैं। बता दें कि यहां गुलाब के साथ साथ अमरूद पत्ता, पलाश, गेंदा फूल से भी गुलाल तैयार किए जा रहे हैं। अब गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाल बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के लिए सड़क पर महाधिवेशन में ही गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी, लेकिन अब इन्हें गुलाल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने पैरों और गाड़ियों से रौंदे गए गुलाब के गुलाल बनाने पर सवाल उठाए हैं। मूरत ने ट्वीट कर इसे सनातन का अपमान बताया है। मूरत ने ट्वीट में लिखा कि सनातनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दूसरे दिन घुड़ेड़ी पर रंगोत्सव का आगाज सर्वप्रथम देवी देवताओं को रंग अर्पित करके फिर बड़े बुजुर्गों को लगाकर किया जाता है। तो यहां पर देखिए किस तरह से सियासत भी अब लगातार देखी जा रही है। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं क्या? गुलाब के फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देवी देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या आप ये बात सोची है कि हम होलिका का पूजन करते उस समय भी हम गुलाल का उपयोग करते हैं? क्या गुलाब का उपयोग कर रहा, क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पाँव से रोन दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रोन दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? भूपेश जी, तो क्या है? जरा आत्मचिंतन करें, मंथन करें और सनातनियों का अपमान करना